फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, बिग शाउट आउट टू 8bit सक्षम जिन्होंने हमें BGMI के अंदर ढेर सारी पॉपुलैरिटी सेंड की है। सो हेलो गेमर्स, वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भाइयों का अभी अपने इस YouTube चैनल गेमिंग एरिया के अंदर। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आप लोगों के लिए आप एक न्यू एक्स सूट के बारे में कि भाई आप लोगों का जो नया एक्स सूट है वो यहाँ पे दिखने में कैसा होने वाला है। उसी के साथ दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ बताने वाला हूँ कि आप लोगों के सामने जो आने वाली प्रीमियम क्रेट है वो आप लोगों के यहाँ पे जो है कैसे होने वाली है। मतलब गाइस यार, आप लोगों यहाँ पे जो है मंथ 5 एंड मंथ 6 वाली प्रीमियम क्रेट के अंदर यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो गाइस यार, वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफी तरह कमाल की होने वाली है, तो प्लीज मेक श्योर वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज गाइस यार, मैं आप लोगों के लिए डेली इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस यहां पर लेकर आता ही रहता हूं। सो गाइस चलिए बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए यहां पे इसकी काफी ज्यादा कमाल की क्रेट के बारे में। तो गाइस, जैसे कि ये आ चुका है हमारे सामने हमारा एवलान सूट। तो गाइस यार देखो भाई, क्या ही कमाल का हमारे सामने हम लोगों को यहां पे जो है देखने में लग रहा है। ये कंप्लीट इमोट है गाइस, आई थिंक मुझे लग रहा है ये लॉबी का जो इमोट होता है ना आपका, वो यहां पे हो सकता है। अगर आपको लॉबी के अंदर एंट्री करनी है तो आप लोग यहां पे जो है इसका ट्राई कर सकते हो भाई। मतलब कहीं से भी कोई नहीं कहेगा इसको कि भाई बेकार इमोट है, हर तरीके से भाई तुम्हारे भाई का क्या कमाल का इमोट जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ये दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पे द एवलांच एक्स सूट 6 स्टार, मतलब गाइस जो आपको पहले दिखाया था ना वही आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है 6 स्टार यहाँ पे जो है होने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें स्टोरी के बारे में तो आप लोग यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप लोग यहाँ पे जो है आसानी से जो स्टोरी है उसको आप लोग यहाँ पे जो है चेकआउट कर सकते हो कि भाई जो एक्स सूट है क्यों बनाया गया है, एंड आप लोग यहाँ पे जो है इसकी स्टोरीज के बारे में जान सकते हो काफी अच्छे से। ठीक है, उसी के बाद दोस्तों अगर हम बात करें आप लोगों के लिए यहाँ पे इसके इमोट्स के बारे में, तो गाइस इमोट्स को आप लोग यहाँ पे जो है चेकआउट कर सकते हो। अगर हम बात करें इमोट के नाम के बारे में, तो गाइस वो होने वाला है आप लोगों के लिए यहाँ पे क्विक फ्रिज इमोट। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे जो है इमोट के अंदर देख ही लिया, जैसे ही यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्राई करता है तो अपने आप ही वो जो है क्विक फ्रिज हो जाता है। मतलब गाइस यार, फटाफट से वो जो है वहीं पर जम जाता है। तो गाइस यार देखने में भी काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है, एंड ओवरऑल एनिमेशन भी गाइस काफी ज्यादा कमाल का हम लोग को यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है। आप लोग को यार ये कैसा लग रहा है, क्या आप लोग यहाँ पे जो है 6 स्टार एक्स सूट को यहाँ पे जो है परचेज करोगे, इसके बारे में प्लीज यार मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है भाई, चलिए बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एना कैरेक्टर के बारे में। तो गाइस उसका जो लुक है वो यहाँ पे निकल कर आ चुका है। गाइस फाइनली आप लोग यहाँ पे जो है एना कैरेक्टर को कंप्लीट तरीके से यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। लिटरली गाइस मुझे पता है आप लोग बोलोगे भाई जो फोटो में दिख रहा था ना गाइस उससे तो काफी ज्यादा अलग यहाँ पे जो है इसको दिखाया जा रहा है, बट गाइस क्या ही कर सकते हैं, फाइनल लुक तो आपके सामने यहाँ पे जो है निकल कर आ चुका है। ठीक है, उसी की बात अगर हम बात करें आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है उसके आउटफिट के बारे में, तो वो भी आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। एंड लिटरली गाइस उसने आउटफिट पहन रखी थी ना वही आप लोगों के लिए यहाँ पे जो फर्स्ट आउटफिट होती है ना वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी यार स्टोरी भी यहाँ पे जो लिखी हुई आ चुकी है, जिसको इंटरेस्ट है वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकता है। बाकी तो वही यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि भाई ये जो है आप लोगों के लिए इन्वेस्टिगेटर जो होती है वो होने वाली है। ठीक है, बाकी इसका लेवल अप रिवॉर्ड भी आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। फ्री में कैरेक्टर वाउचर दिखाए जा रहे हैं, इमोट दिखाया जा रहा है, एंड कुछ आप लोगों को यहाँ पे जो शार्ट्स होते हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। गाइस ये देखो आप, ये आप लोगों के लिए यहाँ पे जो MVP है वो भी आप लोगों को फ्री के अंदर ही यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, अगर आप लोग यहाँ पे जो है इसको लेते हो तो। ठीक है, आई थिंक फ्री में ही मिल रहा है, सब लोग यहाँ ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली यार काफी इंटरेस्टिंग इमोट है इसका यहाँ पे। मतलब गाइस अभी यहाँ पे जो है कुछ ये लिख रही थी, उसके बाद दोस्तों उसने अपने आप यहाँ पे जो है पैन को पॉइंट आउट कर दिया आपकी तरफ। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, कुछ नया है गाइस वो हम लोगों को यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एक आउटफिट तो आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे जो है चेकआउट कर रखी है, जो आप लोगों को यहाँ पे जो है इमेज के अंदर दिखाई गई थी, या फिर जो आप लोगों को यहाँ पे जो एक एनिमेशन निकल कर आया था एना का उसके अंदर यहाँ पे दिखाई गई थी। एक आउटफिट दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है कुछ इस तरह की यहाँ पे होने वाली है। ठीक है भाई, फर्स्ट वाली बढ़िया लग रही है मेरे को, तो लेवल अप वाले तो मेरे को बढ़िया लग भी नहीं रही है। आप लोग कैसे लग रही है इसके बारे में प्लीज यार मुझे कॉमेंट जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी यार उसके 3 इमोट यहाँ पे जो है निकल कर आए हैं। पहला आप लोगों के लिए यहाँ पे फर्दर एनालाइज, दूसरा आप लोगों के लिए यहाँ पे रिफाइंड डांस। हाँ ठीक है, मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते गाइस काफी बुरा है बिकॉज फ्री में मिल रहा है। ठीक है, उसी के बाद अगर हम बात करें आप लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड चीज के बारे में, तो वो है आप लोगों के लिए यहाँ पे एक आपकी जो उसकी एना की वॉइस वो सभी लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे जो है सुन रखी है, कोई ज़रा खास आप लोगों को यहाँ पे जो है देखने को नहीं मिलेगी। उसी के बाद अगर हम बात करें आप लोगों के लिए यहाँ पे और चीज़ों के बारे में, तो बेसिकली गाइस अब आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है आने वाली है आपकी नेक्स्ट प्रीमियम क्रेट। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ पे चेकआउट करो, ये आप लोगों के लिए आपकी सेकंड प्रीमियम क्रेट जो आप लोगों को देखने को मिलने वाली है मंथ 5 एंड मंथ 6 रॉयल पास के टाइमिंग पर। मतलब गाइस उस टाइम पे आप लोगों को यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो गाइस ये चेकआउट करो आप लोग यहाँ पे, ये आप लोगों के लिए यहाँ पे था मैरी टाइडिंग कवर। आप लोगों को पता है यार क्रिसमस आ रहा है आप लोगों के लिए यहाँ पे, तो इस तरह की चीजें तो आप लोगों को यहाँ पे जो है देखने को मिलने वाली है आप ही खुद के प्रीमियम क्रेट के अंदर। ठीक है, उसी के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे चेकआउट करो, ये कंप्लीट सेट है आप लोगों के लिए यहाँ पे मैरी टाइडिंग का, जो देखने में काफी सही लग रहा है। मतलब जो सेंटा क्लॉज वाली जो वाइब्स होती है ना वो हम लोगों को यहाँ पे जो है देखने को मिल रही है कि हाँ भाई सेंटा क्लॉज आ रहा है, तो इस तरह की जो आउटफिट होती है वो आप लोगों को यहाँ पे जो है देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसी के बाद आप लोगों ने एक चीज को नोटिस किया भाई, DP की स्किन को आप लोग यहाँ पे नोटिस करो, क्या कमाल की जो DP की स्किन है वो आप लोगों को यहाँ पे जो है देखने को मिल रही है आपके खुद के इस बार के प्रीमियम क्रेट के अंदर। तो गाइस यार आप लोग भाई बचा के रखो अपने कूपन को, आप लोगों को तो पता ही है इस बार कूपन भी यहाँ पे जो है चेंज हो चुके हैं, मतलब काफी सस्ते में आप लोगों को यहाँ पे जो प्रीमियम क्रेट कूपन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है,
बाकी ओवरऑल लुक की बात करें तो काफी ज्यादा कमाल की है। ऑफ कोर्स जो मेरी टाइडिंग की है तो मतलब उसके कलर जो होते हैं वही आप लोगों को यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई थिंक यहाँ पे बात करते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे यूजी की स्किन के बारे में। तो गाइस यूजी की स्किन को भी आप लोग यहाँ पे जो है चेकआउट कर सकते हो, दिखने में बहुत ही ज्यादा कमाल की लग रही है। एंड लिटरली गाइस वैसे तो मुझे पता है कि आप लोगों में से काफी सारे लोग जो है यहाँ पे यूजी के लिए तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाने वाला, बट या अगर प्रीमियम ग्रेड के अंदर निकलती भी है तो गाइस किसी को भी यहाँ पे जो है बुरा नहीं लगने वाला, ठीक है। उसी की बात अगर हम बात करें आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है बैकपैक के बारे में ना गाइस, तो वो भी आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। मतलब गाइस यार पूरा का पूरा आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है बेस जो है वो यहाँ पे रखा गया है मैरी टाइडिंग बैग, मतलब मैरी टाइडिंग के ऊपर उसका सेट भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, उसका बैकपैक भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, उसका हेलमेट भी देखने को मिल रहा है, सब कुछ गाइस आप लोगों को यहाँ पे जो है मैरी टाइड का ही आप लोगों को यहाँ पे जो है दिखाया जा रहा है, ठीक है। उसी की बात अगर हम बात करें आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 के बारे में, तो वो भी आप लोग यहाँ पे जो है चेकआउट कर लीजिएगा आप खुद के प्रीमियम क्रेट के अंदर। उसी की बात अब हम बात करते हैं गाइस आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है काफी ज्यादा कमाल की थ्री व्हीलर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस बार के प्रीमियम क्रेट के अंदर आप लोगों को यहाँ पे जो है थ्री व्हीलर भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। मतलब गाइस यार प्रेजेंट साइड कार मोटरसाइकिल जो होती है वो भी आप लोगों को यहाँ पे जो है देखने को मिलने वाली है। गाइस लिटरली काफी ज्यादा कमाल की लग रही है। ऐसा नहीं होता गाइस जो सेंटा क्लॉज जो बाइक लेकर आता है वैसे की वैसी बाइक जो है दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे जो है पकड़ा दी गई है इस बार के हमारे प्रीमियम क्रेट के अंदर। ओवरऑल लुक की बात करें तो गाइस काफी ज्यादा कमाल का है, जैसे हमारे कॉस्ट्यूम है, जैसे हमारा आउटफिट है, जैसे हमारा बैकपैक है ना गाइस, उसी से यहाँ पे जो है मैच खाती हुई हम लोग को यहाँ पे जो है दिखाई जा रही है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे जो है चेकआउट करो, प्रेजेंट का हम लोग के सामने जो है सेट भी आ चुका है, प्रेजेंट का हमारे सामने यहाँ पे जो हेडगियर होता है वो भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल चुका है, ठीक है। उसी के साथ दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे जो है P19 की जो बाइजन की स्किन है वो भी आप लोगों को यहाँ पे जो है देखने को मिलेगी। मतलब गाइस यार अगर हम कहें ना तो ओवरऑल आप लोगों के लिए जो प्रीमियम ग्रेड होने वाला है काफी ज्यादा कमाल का आप लोगों को लग जाएगा। लिटरली गाइस यार काफी अच्छे अच्छे आइटम्स ही आप लोगों को यहाँ पे जो है देखने को मिल रहे हैं। आप लोग कुछ भी ओपनिंग करोगे आप लोगों को जो पैसे हैं या फिर दोस्तों आप लोगों के जो प्रीमियम ग्रेड कूपन है वो आप लोगों के यहाँ पे जो है नुकसान में तो नहीं जाने वाले, ठीक है। उसी के साथ दोस्तों आप लोग यहाँ पे जो है आपका जो हेलमेट है उसको भी यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा गाइस। लिटरली जो हेलमेट है बहुत ज्यादा कमाल का लग रहा है एंड काफी अच्छे अच्छे इसके जो लुक है ना वो हम लोग को यहाँ पे जो है देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। बाकी ये पैराशूट है गाइस आई डोंट थिंक सो कि आप लोग को यहाँ पे जो पैराशूट है काफी ज्यादा पसंद आएगा। एंड लिटरली गाइस काफी नॉर्मल सा पैराशूट जो होता है वो हम लोग को यहाँ पे जो है दिखाया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है एक SKS की जो स्किन है वो आप लोग को लकी स्पिन के अंदर यहाँ पे जो है देखने को मिलने वाली है, जो मेरे को तो ठीक ठाक लगी। आप लोग कैसे लगी इसके बारे में प्लीज जरा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। बस इतना ही था आज की वीडियो के अंदर। भाई आज सुबह से पता नहीं कितनी सारी वीडियोस को मैं ऑलरेडी यहाँ पे जो है बना चुका हूँ, जितनी भी लिख सही गाइस मैंने आप लोग को यहाँ पे जो है दिखा दी है। चैनल पर नए आए हो तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब करो, बिकॉज गाइस यार जो भी लिख आती है मैं आप लोग को यहाँ पे जो है सबसे पहले दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो प्लीज यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं हमारी अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर।